हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार DLED के फर्स्ट ईयर के ACP के फाइल के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है विद्यालय उन्नयन योजना। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि विद्यालय उन्नयन योजना का फाइल आप कैसे बनाएंगे, साथ ही साथ विद्यालय उन्नयन योजना क्या होता है, इसमें क्या करने होते हैं, ये सारी जानकारी जो है मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरे देखेंगे और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ACP 1 जो होता है, इसमें चार काम करने होते हैं। इसमें से जो है यह एक जो बिंदु है विद्यालय उन्नयन योजना, ये भी आपको करने होते हैं। देखिए, इसके नाम से ही जो है इसका अर्थ निकल जाता है। विद्यालय उन्नयन योजना कहने का अर्थ है कि विद्यालय के विकास के लिए, विद्यालय के कल्याण के लिए, विद्यालय के उत्थान के लिए जो आप विद्यालय में जाकर कार्य करते हैं, उसी के तौर पर जो है आपको विद्यालय उन्नयन योजना का जो है फाइल आपको लिखना है। जैसे कि आपको ACP 1 के दौरान आपको किसी विद्यालय में भेजा जाता है, तो आप वहाँ जाते हैं तो उस विद्यालय के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। मतलब कि कुछ वहाँ पर गलती भी आपको दिखेगी, कुछ वहाँ पर आपको अच्छाई भी दिखेगा। तो वहाँ पर आपको जो समस्या दिखेगा, उस समस्या को जो है आपको अपने तौर पर जो है निपटाना है, उसके समस्या का हल करना है। जो समस्या आपको दिखेगा, उसी समस्या के ऊपर जो है आपको विद्यालय उन्नयन योजना का जो है फाइल बनाना है। देखिए, उन्नयन कहने का अर्थ है कि ऐसा समस्या देखना है आपको जो कि आप कर सके, जो कि विद्यालय के विकास के लिए, विद्यालय के उत्थान के लिए जो है सार्थक सिद्ध हो, तो वैसे समस्या का आपको चयन करना है और उस समस्या को जो है आपको समाधान भी ढूंढना है। उसके बाद जो है आपको फाइल बनाना है। तो आप, मैं आप अभी जो है आपको फाइल भी दिखाने वाला हूँ। आप समझ गए कि विद्यालय उन्नयन योजना क्या होता है। अब हम फाइल के ऊपर बात करेंगे और आप एक एक पॉइंट को जो है समझते चलेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में जो है अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे, नाम, रोल नंबर, सेशन वगैरह लिखकर अच्छे से डेकोरेट करेंगे। सेकेंड पेज में जो है आपको विषय सूची लिखना है। विषय सूची इसलिए किया जाता है कि आपने जो है इस फाइल में जो है क्या क्या बिंदु पर काम किया है, इसलिए जो है विषय सूची अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाता है। तो एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए सूची में क्या है, मतलब कि उन्नयन कार्य का नाम, उन्नयन कार्य क्या किया गया उसका नाम, फिर आपको जो है समस्या की पहचान, क्या समस्या थी, फिर है आपका समस्या से हानि क्या था उसका, फिर आपको जो है समस्या को दूर करने हेतु योजना का निर्धारण क्या है कि आपने कौन कौन सी योजना का निर्धारण किया, फिर उन्नयन कार्य का जो है क्रियान्वयन किया गया, कैसे किया उसके ऊपर बात है, फिर उन्नयन योजना के परिणाम के ऊपर बात है, फिर आपका नीचे जो है लास्ट वो आपका जो है कूड़ेदान का उपयोग हेतु संकलन संकल्प विधि का जो है प्रयोग किया है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर टोटल जो है 7 बिंदु के ऊपर जो है कार्य किया गया है, जो कि मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको पेज के फर्स्ट थर्ड पेज पर जो है आपको ये लिखना है, उन्नयन कार्य का नाम। देखिए, कचरा प्रबंधन हेतु कूड़ेदान की व्यवस्था कराना। विद्यालय परिसर में जो है बहुत सारे कचरा फैलते थे, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। हानि क्या हो सकता है कि कचरा फैलाएंगे विद्यालय में, वहाँ पर बहुत सारे कीटाणु आएंगे, बच्चों को बीमार पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि विद्यालय का जो उपस्थिति है कम हो जाएगा। तो इससे यह मतलब कारण हो सकता है कि विद्यालय में जब बच्चे नहीं आएंगे तो विद्यालय में पढ़ाई नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, हमारे बच्चे जो है पढ़ाई से नाता छूट जाएगा, हमारा समाज जो है पीछे हो जाएगा। तो कारण देखिए कितना जुड़ा हुआ है। तो इसी सभी पॉइंट के लिए जो है यहाँ पर किया गया है कि कचरा प्रबंधन हेतु जो है कूड़ेदान की व्यवस्था कराई गई है। साफ सफाई नहीं था या बच्चों में जागरूकता नहीं है कि बच्चे कुछ रैपर को जो है इधर उधर फेंक देते हैं। अगर हम विद्यालय में एक कूड़ेदान की व्यवस्था करवा दें तो बच्चे को बताते हैं कूड़ेदान की महत्व के बारे में, कि कूड़ेदान का महत्व क्या है, तो बच्चे जो है कल से अपने जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो कूड़ेदान में डालेंगे, जो कि विद्यालय को साफ सफाई करने के लिए, साथ ही साथ बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो है काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आप समझ गए कि उन्नयन कार्य का नाम क्या है, कि कचरा प्रबंधन हेतु कूड़ेदान की व्यवस्था कराना। अब देखिए, समस्या का नाम, विद्यालय परिसर में कचरा फैलना। समस्या ही तो है, विद्यालय परिसर में कचरा फैल रहा है, जिसकी वजह से जो है क्या होगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे, बहुत सारी भयानक बीमारियां उत्पन्न होगी। अब देखिए थर्ड में, समस्या की पहचान कैसे की गई। तो देखिए, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नयन योजना एक ऐसी योजना है जिसके की प्रयोगशाला विद्यालय में किसी कारण का जो है निदान होता है। इस कार्य में विद्यालय के साथ साथ वहाँ के छात्र छात्राओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है लाभ मिलता है, दोनों तरह से जो है लाभ मिलता है। अब देखिए नीचे, यहाँ पर मैंने विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय तरारी में उन्नयन कार्य का जो है
किया। यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपने आदर्शों के लिए जो है प्रसिद्ध है। इस विद्यालय में बच्चों के लिए जो है बैठने की व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त है। कहने का अर्थ है कि विद्यालय में जो है बच्चों को बैठने के लिए जो व्यवस्था है वो अच्छा है। अब देखें यहाँ पर समस्या की पहचान के लिए मैंने विद्यालय के सभी भागों को जो है सूक्ष्म निरीक्षण किया। अब समस्या मुझे ढूंढना है तो मैं सभी चीज़ों के बारे में जानूंगा तो ना। विद्यालय के अगर परिसर है तो वहाँ पर सारे परिसर का उपयोग करेंगे, सभी का परीक्षण करेंगे, मतलब निरीक्षण करेंगे तो क्या होगा, हमें समस्या मिलेगा। तो मैंने सूक्ष्म निरीक्षण किया। हमने समस्या को तब पहचाना जब बच्चे चॉकलेट, कागज के टुकड़े, कुरकुरे इत्यादि खाकर जो है इधर उधर फेंक दे रहे थे। जब बच्चे देखे लंच के समय में देखा गया कि बच्चे जो है जो भी रैपर खाते हैं, जो भी क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो है समस्या मिला, या समस्या आप सभी को मिल सकता है कि बच्चे रैपर इधर उधर फेंकेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे हानिकारक है। वो रैपर जल्दी सड़ गल नहीं सकते तो वो हमारे जो ज़मीन है उसे भी जो है फर्टाइल एरिया को भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो है बहुत सारे कीटाणु आएंगे जिससे बीमारी फैल सकती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है समस्या यहाँ पर इनको मिल गया। अब देखिए समस्या से हानि क्या है। अगर बच्चे इधर उधर मतलब कूड़ेदान में नहीं फेंकते हैं कचरा और इधर उधर फेंकेंगे तो समस्या में क्या होगा। पहला समस्या देखिए विद्यालय परिसर का जो है गंदा होना। विद्यालय परिसर गंदा हो जाएगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा, बच्चे भी नहीं आएंगे और भाव जो भी भाव मतलब बाहर से निरीक्षण करने आएंगे उन्हें जो है वहाँ के टीचर या प्रिंसिपल को जो है डांट सुननी पड़ेगी। तो ये कारण हो सकते हैं। फिर देखिए पर्यावरणीय समस्या का उत्पन्न हो सकते हैं, बहुत सारे पर्यावरणीय उत्पन्न हो सकता है अगर इधर उधर हम फेंकते हैं रैपर। तो बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ सकता है, बहुत सारे कीटाणु आएंगे तो बच्चे प्रभावित हो जाएंगे, बहुत सारे बीमारी हो जाएंगे। मध्याह्न भोजन बनाने में कठिनाई होगा, इधर उधर मतलब अगर रैपर भेजते हैं तो क्या होगा कि वहाँ के जो भी मतलब मध्याह्न भोजन की कार्य होते हैं उसमें क्या होगी कठिनाई आ सकती है। मान लीजिए कि रैपर वहाँ से उड़कर खाना में चले जाए तो खाना बर्बाद हो सकते हैं, ये सब कारण हो सकते हैं। ये सब तो हानि है। यहाँ देखिए पानी बहने वाली नालियों में मार्ग अवरुद्ध हो जाना, मतलब कि अगर रैपर इधर उधर फेंकते हैं तो जो भी पानी की नाली होती है उसमें क्या जाम हो जाएगा, जिससे पानी रोड पर आ जाएंगे, इधर उधर आ जाएंगे। चापाकल के आसपास गंदगी काई जमा हो जाना, ये सब भी समस्या है अगर इधर उधर फेंकेंगे बच्चे, तो यही सब तो होगा। फिर देखिए गंदगी की वजह से मच्छरों का बढ़ जाना, विभिन्न प्रकार के रोगों का समस्या आ जाएंगे। चूँकि परिस्थिति को देखते हुए मैंने दुखद हुआ, मतलब जो परिस्थिति मैंने वहाँ देखा बच्चे इधर उधर फेंक रहे थे, कूड़ेदान में नहीं डाल रहे थे क्योंकि कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ यह स्थिति को देखकर जो है बहुत दुख हुआ। तब यह मामला हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था जिसे किसी भी परिस्थिति में नज़रअंदाज जो है नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बच्चा जो यह जो परिस्थिति है, जो भी कठिनाई है, समस्या है, वो क्या है, बच्चों से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चे ही बीमार पड़ जाएंगे तो फिर विद्यालय नहीं चल पाएगा, इसलिए जो है इसे हम लोगों ने नज़रअंदाज नहीं किया। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो भविष्य में बहुत सारे जो बाधाएं हैं, समस्या है, वो क्या करना, सामना करना पड़ेगा, समस्या आ सकती है। अब समस्या दूर करने हेतु जो है योजना का जो है निर्धारण किया गया। क्या किया गया तो अब देखिए निर्धारण में क्या किया गया कि पहला है उन्नयन योजना के तहत जो है कचरा प्रबंधन हेतु जो है कचरा पेटी लाने के लिए जो है विद्यालय प्रबंधन से स्वीकृति लेना। कचरा पेटी ऐसे नहीं डाल सकते, वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे पहले स्वीकृति लेंगे, हाँ मैं इस विद्यालय में कचरा पेटी जो है सभी प्रशिक्षुगण मिलकर देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि बच्चे जो है गंदगी नहीं फैलाएंगे, आसपास नहीं फेंकेंगे, कूड़ेदान में फेंकेंगे, इससे क्या होगा बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमारी नहीं आएगा और विद्यालय भी जो है स्वस्थ रहेगा। इसलिए जो है सबसे पहले आपको प्रिंसिपल से स्वीकृति लेना पड़ेगा कि हाँ मैं लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, ये हो गया। इसके लिए डस्टबिन लाने के व्यय की बजट को आपस में बांटकर निर्धारित करना। अगर आप डस्टबिन लाना है तो डस्टबिन का प्राइस 1,000-2,000 हो सकते हैं। तो अगर 10 लोग हैं प्रशिक्षु बने के विद्यालय में तो कंट्रीब्यूशन करके जो है आप प्रबंधन जो भी आपका बजट बनता है उसके अनुसार निर्धारण करेंगे आपस में बैठकर। फिर बाजार से कूड़ेदान लाना, फिर जो है कचरा पेटी को उचित स्थान पर लगाना, विद्यालय में जो है उचित स्थान पर उसको लगाना, ये आपका क्या हो गया कि उन्नयन योजना का जो है दूर करने वाले समस्या का जो है निर्धारण हो गया कि इस तरह हम दूर कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो है क्रियान्वयन करेंगे अब योजना का जो हमने ऊपर देखा है। तो पहला देखिए उन्नयन योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रबंधन से स्वीकृति ली गई है, सभी प्रशिक्षु साथी द्वारा सहयोग राशि जमा की गई, मतलब सहयोग राशि जमा कर ली है हम लोग। अब देखिए जमा की गई सहयोग राशि द्वारा जो है प्रशिक्षु रवि कुमार और प्रवीण प्रकाश द्वारा जो है बाजार से कचरा पेटी लाया गया। यह दो सहपाठी लोग हैं जो कि बाजार जाते हैं, जो भी प्रबंधन जो पैसे जमे होते हैं उसे जो है कचरा पेटी लाते हैं। फिर जो है कूड़ेदान के विद्यालय में उचित स्थान पर जो है रखने की सलाह ली गई कि हाँ यहाँ पर रखे कि नहीं रखे, वहाँ के प्रिंसिपल मैम से वहाँ की अलाउ मिल गया कि रख दे तो रखा गया वहाँ पर। कचरा पेटी का उपयोग को समझाना, बच्चों को जो है कचरा पेटी के उपयोग को बताया गया कि कचरा पेटी का उपयोग क्या है
और बराबरी इसकी सफाई हेतु योजना बनाई गई कि हाँ कचरा पेटी को जो है कितने दिनों पर जो है साफ करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर साफ करना चाहिए कि साप्ताहिक बेसिस पर साफ करना चाहिए। तो यह क्या हो गया, इसका क्रियान्वयन हो जाएगा। अब देखिए इसका उन्नयन योजना का परिणाम क्या निकला, तो अब देख लेते हैं उन्नयन योजना का जो है। जब मैंने ये सब सारे चीज़ें किया गया विद्यालय में, कचरा पेटी लाया गया प्रबंधन समिति से लेकर, तब क्या हुआ कि देखिए कि विद्यालय परिसर में कचरा फैलना एक बहुत बड़ी समस्या थी जो कि बच्चों के लिए शारीरिक शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी, जिसके लिए क्या है कि साथ साथ विद्यालय परिसर के अन्य सदस्य भी जो है प्रभावित हो रहे थे। बढ़े रहे कचरे के पर्यावरणीय समस्या, जल की प्रदूषण समस्या, मृदा प्रदूषण की समस्या काफ़ी बढ़ रही थी, ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो विद्यालय उन्नयन योजना के तहत जो है प्रयोगशाला विद्यालय कचरा प्रबंधन जो है कचरा पेटी देने के लिए जो है समस्या का निदान हो सका। कचरा पेटी लाया गया, उसको समस्या का रखा गया, बच्चों को समझाया गया, तो बच्चे उसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, इसका निदान हो चुका था। अब देखिए हम आगे आपको दिखाते हैं और बता रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या है, तथा भविष्य में जो है कचरे से होने वाली जो भी बीमारी थी उसको जो है मुक्ति दिला सकता है। विद्यालय में कचरे दान आने जाने से जो है बच्चों में जो है जागरूकता फैली कि जो विद्यालय में कचरा पेटी लग गया तो बच्चों में क्या है कि जागरूकता फैल गया कि क्या कचरा पेटी का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर देख लीजिए। विद्यालय परिसर को साफ सफाई एवं स्वस्थ रखना चाहिए, बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिलने लगा। जब कचरा पेटी रख दिया गया, बच्चे उसका उपयोग करने लगे, तो विद्यालय में ये सब परिस्थिति यहाँ पर आ गई कि नालियों में पानी ठहरा की समस्या दूर हो गई, जो भी मतलब पहले होता था कि नाली में रैपर चला गया तो बंद हो गया, बच्चों का स्वस्थ वातावरण नहीं मिल रहा था, बहुत सारे मच्छर कट रहे थे। तो जब हम कचरा पेटी ला दिए, बच्चों को बता दिए, उसका उपयोग करने लगे, तो ये सब जो गलतियाँ नहीं होने लगी, साफ सफाई होने लगा, विद्यालय साफ सफाई लगा। बच्चों को ये भी जानना कि अपघटित कचरा अर्थात जो सड़ गल गए उन्हें हरे रंग में कचरे पेटी में डाले, और जो अपघटित कचरा जो नहीं सड़ गल होते हैं उसको लाल में डाले। तो इसका जो है प्रयोग बताया गया कि जो सड़े गले होते हैं उसको हरे पेटी में डाले, जो नहीं सड़े गले होते हैं उसको लाल पेटी में डाले, इस तरह से बताकर जो है नीचे देखा था। हमारा उन्नयन योजना हमारी सोच पर सफल रहा, जो मैंने सोच कर उन्नयन योजना किया, हमारी सोच पर जो है क्या हुआ कि उन्नयन योजना जो है सफल रहा। हमारे अनुरूप या अनुभव से विद्यालय अपने कर्तव्यों का निर्वहन तभी कर सकता है जब विद्यालय का उपलब्ध संसाधन का सर्वाधिक रूप से उपयुक्त हो। इसके लिए उसका सूचना विभाग प्राधिकारी को लिखित रूप से दी जाए ताकि विद्यालय समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए मैंने आगे भी बात की गई उसके लिए। अब देखिए लास्ट में जो है ये आपका लास्ट पेज है, ये संकल्प विधि कि आओ, मतलब संकल्प लिया बच्चों ने कि आओ हम सब मिलकर ये संकल्प ले घर और दुकान में 2 डस्टबिन का उपयोग करें। ये लिया गया कि घर पर भी दुकान में भी और विद्यालय में भी जो है 2 डस्टबिन का उपयोग करें। सूखा कचरा जो है आपको अनपरघटित कचरा और जो होता है अपघटित कचरा जो कि गीला कचरा हरा में डाले और सूखा कचरा जो है लाल में डाले, और सभी ने संकल्प लिया। इस तरह से जो है आप जो है विद्यालय उन्नयन योजना का जो है फाइल बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको विद्यालय उन्नयन योजना का जो है फाइल बनाने का जो विधि है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।